प्रदेश पुलिस ने विभिन्न जिलों में तैनात होमगार्ड के 25,000 जवानों को तत्काल प्रभाव से ड्यूटी से हटाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक प्रयागराज में यूपी पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी आदेश में कहा कि 25,000 होमगार्ड को ड्यूटी से हटाने का फैसला अगस्त 2019 में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया था। यूपी पुलिस के सूत्रों का कहना है कि बजट की कमी के चलते होमगार्ड जवानों को हटाने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस विभाग को सेवाएं दे रहे 25,000 होमगार्ड बेरोजगार हो गए। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि होमगार्ड स्वयंसेवकों को मिलने वाला दैनिक भत्ता पुलिस के बराबर होना चाहिए, जिसके बाद यूपी में होमगार्डों का दैनिक भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर 672 रुपए किया गया था। लेकिन अब बजट का हवाला देकर बड़ी संख्या में होमगार्डों की छुट्टी की जा रही है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में करीब 1,00,000 होमगार्ड अपनी सेवाएं दे रही हैं। थानों में पुलिस बल की कमी की वजह से पिछले दिनों होमगार्ड जवानों को कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाने का निर्णय लिया गया था। बता दें कि प्रदेश में होमगार्ड के कुल स्वीकृत पद 1,18,000 हैं। इसमें से खाली पदों की संख्या 19,000 है। अभी तक शेष 99,000 में से 92,000 होमगार्ड को महीने में कम से कम 25 दिनों की ड्यूटी दी जा रही थी, लेकिन होमगार्ड के लिए बजट ना होने के कारण पुलिस महकमे में लिए गए 25,000 होमगार्डों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। फिलहाल जिलों की जो 25,000 होमगार्ड उपलब्ध कराए गए थे उसका अधिकतर इस्तेमाल ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हो रहा था। ऐसे में होमगार्ड की सेवा अचानक समाप्त होने से ट्रैफिक व्यवस्था पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। कम घर का हम घर पर बैठ गए। ये टोटल जितने भी यहाँ पर बेरोजगार है इनको घर बैठा दिया गया। विवश हो गए, बहुत मजबूरन में होकर ये हमको कदम उठाना पड़ रहा है भीख मांगने का। किसके द्वारा आपको हटाया गया है? अब कोई कुछ बताया जाए, शासन के द्वारा हटाया गया। शासन न, तुम्हारी ड्यूटी शासन के पास बजट नहीं है, राजस्व नहीं है उनके पास। बजट न होने की वजह बजट क्या है? सरकार भुक्की होगी तो हम ये है कि जब सरकार भुक्की होगी तो कुछ पैसे कुछ हो गए बाद में काउंटिंग करके ये जो पैसा इकट्ठा होगा सरकार के खाते में मुख्यमंत्री राजकोष में जमा करेंगे, क्योंकि सरकार हमें ऐसे प्रतीत लगता है कि सरकार बिल्कुल भुक्की हो चुकी है। इस कारण से हमारी केंद्र और स्टेट में बीजेपी की सरकार है, फिर भी ऐसे जो होमगार्ड है गरीब दर्जे का होमगार्ड होता है। देखो हमको राजनीति नहीं करनी, किसकी केंद्र में किसकी राज्य में, हमको सिर्फ अपनी मांग मांगनी है कि हमारी पूर्ण रूप से टोटल सभी की ड्यूटी लगा दी जाए, वरना विवश होगा, आत्महत्या भी करनी पड़ सकती है। JBD बैंक्वेट्स लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।